ये अलमारी वगैरह सब दोगे, ले हाँ, जाना है? सब सब। अच्छा, मैं समझा अलमारी ले नहीं दे। नहीं, ये रूम के लिए है बस। रूम के लिए अलमारी है, मैं समझा ले जाओगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अलमारी भी काफी अच्छा है, देख सकते हैं आप, अलमारी काफी अच्छा है। तो आप, अलमारी आप ही के लिए है। अब बाकी बात करते हैं, और भी रूम है आपके पास? हाँ रूम है, काफी रूम होगा आपके पास? हाँ रूम काफी है। मैं भी तो पता है नहीं। हाँ रूम अच्छा है। चलिए, तीनों आदमी वहीं से रहने वाले हैं? हाँ तीनों बुलंदशहर वाले हैं। अच्छा, तो वाईफाई वगैरह सब मिल रहा है? हाँ सब वगैरह ये तो वाईफाई वाईफाई सब। वगैरह बिजली भी नहीं देता होगा? फ्री भी? बिजली बिल हमें देना है। हाँ ना, वाईफाई तो फ्री होगा? वाईफाई फ्री है। 5G है? 4G? फाइव। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तो जी गाइस, फाइनली हम आज पहुंच चुके हैं, यानी कि आपको ये सेक्टर 83 में जस्ट हम पहुंच चुके हैं, यानी कि आज मोनू पीजी पे। और देख सकते हैं, काफ़ी दिनों से आप नोएडा में रूम ढूंढ रहे हैं ना, तो हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि आज हम आ चुके हैं आपको रूम को लेकर। तो बात करते हैं, अगर आप काफ़ी दिनों से रूम ढूंढ रहे हो, तो ये रूम बहुत यहाँ पे अभी रूम अवेलेबल है। और इसका बुकिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे भाई मौजूद है, अभी हम इनसे बात भी करेंगे। तो इसमें कैसे बुक करेंगे और इसका आने का प्रोसेस क्या रहेगा, अभी इतने जरूर बात करने वाले हैं। पहले चलते हैं, हम आपको रूम भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं, ये आपका ये किचन है, ये आपका जो है बाथरूम है, यहाँ पे इंग्लिश बाथरूम है। और बात बात कर लेते हैं आपको, यहाँ पे वॉशनर रूम है जो हाथ धुलने के लिए, और बाकी इंग्लिश बाथरूम है। और अगर आप खुद से खाना बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किचन मौजूद है, यहाँ पे किचन है। और बाकी यहाँ पे अलमारी है, अगर बड़ा कोई सामान है तो इस पे रख सकते हो। बाकी यहाँ पे छोटे मोटे जो भी सामान होगा, इस पे आप आसानी से रख सकते हैं। और तो इस पे आराम से अपना सामान जो भी हो आप रख सकते हैं। यहाँ पे अलमारी है, और बाकी यहाँ पे खिड़की है, ये तो दरवाजा है मेन, और बाकी यहाँ पे ये खिड़की है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे चार्जिंग मेन पॉइंट है, अगर आपके पास कोई मिक्सी वगैरह होता है तो यहाँ पे उसको यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे पानी यहाँ पे यूज रख कर यूज कर सकते हो, अपना सामान रख सकते हो। बाकी बात कर लेते हैं, इंग्लिश यहाँ पे बाथरूम है और वॉशिंग रूम जो है यहाँ पे ये मौजूद है। बाकी यहाँ पे झरना लगा हुआ है पानी के लिए। और ये बात कर लेते हैं, फैमिली चाहे तो फैमिली रह सकता है, और चाहे पर्सनल रहना चाहते हैं तो भी रह सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, अलमारी वगैरह भी है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये अलमारी भी आप ही का है, आप ही के लिए बनाया गया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, रह सकते हैं। बात भी बात करते हैं, आपको कहीं भी जाते हो ना कमरा में रूम बुकिंग के लिए, तो आपको रूम में आपको ये बेड नहीं मिलता हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे बेड भी आपको मिल रहा है और फैन के साथ मिल रहा है। यानी कि बात करते हैं, आपको बेड भी है, फैन भी है, आपका वाईफाई भी है, और बैटरी बैकअप भी यहाँ पे मौजूद है कमरे में। अब बात जो भी, ये कमरा बहुत सील्ड है, ठंडा है, इसमें एसी की जरूरत पड़ेगी नहीं है। देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है यहाँ पे रूम के पास ही, और देख सकते हैं भैया ऑलरेडी रहते हैं। चलिए इनसे भी हम जानकारी लेते हैं, तो इनको रहकर इनको कैसा लग रहा है, तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी भैया, सबका नाम क्या होगा? विकास भैया। अच्छा, आप ऐसे रहने वाले कहाँ के? बुलंदशहर के। आप यहाँ पे रहते हो क्या? कितने दिन हो गए रहते हुए? हमें 15 दिन हुए। अच्छा, 15 दिन अभी लिया हमने। कैसा लग रहा है आपको? रूम बढ़िया। माहौल कैसा है? माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, कोई शोर शराबा ना। शोर शराबा नहीं, क्योंकि मैं अभी जब आया था ना, सबसे पहले मैं यही नोटिस किया था कि यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शांति माहौल है। सो जाओ तो कोई उठाने वाला भी। हाँ, नींद काफी अच्छा लग रहा होगा। हाँ नींद भी खूब बढ़िया रही है, वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा, वाईफाई भी, तो वाईफाई वीडियो चलता होगा जबरदस्त? हाँ हाँ। तो लैपटॉप पे कवर करते तो सही चलता है नेटवर्क। तो ये आप अकेले रहते हो और भी रहते हो? तीन बंदे रहते हैं। तीन बंदे रहते हैं, तो ये इसको आप रेंट क्या दे रहे हो? थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा उधर। लाइट नहीं जा रहा उधर। 8,000 रेंट। 8,000 रेंट है। अच्छा, तो आप बिजली का बिल अलग है? अच्छा, बिजली बिल अलग है। तो तीनों में डिवाइड करके देते होंगे पैसे? हां, तीनों में डिवाइड हो जाता है पैसा। अच्छा, तो कितना पड़ता होगा लगभग? 3,000 करीबन, एक आदमी का 3,000 पड़ेगा। बाकी खाना बनाते होंगे खुद? हाँ, खाना खुद बना लेते हैं। आज छुट्टी है क्या? छुट्टी ना, कोचिंग है बस शाम की हमारी। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? खाली पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा, जॉब करते हो? ना जॉब नहीं। तीनों आदमी पढ़ाई करते हो? हाँ, तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। क्या चीज की तैयारी चल रहा है? जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कॉलेज कहाँ पे? बुलंदशहर ही है कॉलेज। बुलंदशहर, काफी मिल जाए, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि हम ये जो लोग ऐसे जॉब ढूंढते हैं, ये रूम ढूंढते हैं, रूम और पीजी बहुत ढूंढ रहे हैं, जहाँ उन पर मिल ही नहीं रहा है, तो हम ये लोगों को सहूलियत के लिए अच्छा है वो आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा रूम है, क्योंकि इससे पता लग जाएगा तो कहाँ लोकेशन पे रूम है, क्योंकि उनको पता नहीं है तभी यहाँ पे रूम खाली है और रूम अच्छा है, क्योंकि उसका फैसिलिटी आप ले रहे हो ना, मुझे भी तो पता है नहीं। हाँ रूम अच्छा है। चलिए, तीनों आदमी वहीं से रहने वाले हैं? हाँ, तीनों बुलंदशहर वाले। अच्छा, तो वाईफाई सब मिल रहा है? हाँ सब वगैरह। वाईफाई तो वाईफाई वगैरह बिजली बिल नहीं देता होगा? बिजली बिल हमें देना है।
वाईफाई तो फ्री होगा? हाँ वाईफाई फ्री है। 5G है? 5G है। 5G है? हाँ 5G। अच्छा। चलिए आपके मिलकर काफी अच्छा लगा। देख सकते हैं ये भैया थे ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और ये बात करते हैं, दो तीन दोस्त हैं जो यहाँ पे रहते हैं और गाइस देख सकते हैं अभी मौजूद है, यानी कमरे में ही मौजूद है। बाकी आपको देख सकते हैं यहाँ पे बेड और लगा हुआ है और बाकी अलमारी वगैरह भी यहाँ पे सब मौजूद है। चलिए सीधे बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? अंकित नाम है मेरा। अच्छा अंकित नाम जी। बात करते भैया आप, आपके पास कमरे अभी अवेलेबल है? जी। अच्छा इसमें आपको PG अवेलेबल है या कमरे दोनों अवेलेबल? हाँ दोनों है। अच्छा। ये अभी हम जो कमरे की बात करते हैं तो इसका रेंट क्या होने वाला है? इसका रेंट होगा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये जी। तो ये 8,000 में आपको ये, यानी कि फैमिली वाले रूम है? हाँ फैमिली वाला है। अच्छा फैमिली वाला जी। तो इसमें क्या, इसमें लड़के अगर चाहेंगे रहने के लिए तो लड़के भी रह सकते हैं? हाँ। तो इसमें कितना अलाउ है लड़के रहने के लिए? 3 लड़के। अच्छा मिनिमम 3 होना चाहिए? हाँ जी। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं उससे ज्यादा। अच्छा। फैमिली वाले में तो इसमें कई बार ऐसे 4-5 तो हो जाते हैं? हाँ उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए फैमिली के लिए कोई दिक्कत? हाँ। तो बाकी आपका इंग्लिश ये जो बाथरूम वगैरह होगा सब बिल्कुल क्लीन होगा? हाँ सारा क्लीन होगा। अच्छा हाँ सफाई होकर सारी क्लीन होगी जब मिलता है कमरा। अच्छा हाँ क्योंकि अभी हल्का अभी सही नहीं है। हाँ सफाई कर दोगे? नहीं क्योंकि सुबह ही खाली हुआ है ना ये। अच्छा, आज ही? आज ही खाली हुआ है। अच्छा। ये अलमारी वगैरह सब दोगे ले जाना? सब सब। अच्छा मैं समझा अलमारी ले नहीं दे? नहीं नहीं ये रूम के लिए है बस। रूम के लिए अलमारी है? मैं समझा ले जाओगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अलमारी भी काफी अच्छा है, देख सकते हैं अलमारी काफी अच्छा है। तो आप अलमारी आप ही के लिए है। बाकी बात कर लेते हैं, इसमें और भी रूम है आपके पास? हाँ रूम है काफी। रूम होगा आपके पास? हाँ रूम काफी है। अच्छा अच्छा। तो इसका बुक करने का प्रोसेस क्या रहेगा आपसे? वो तो नंबर है ना कॉन्टेक्ट? हाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? हाँ कॉन्टेक्ट। हाँ तो यहाँ बात करते हैं, ये लोकेशन क्या होगा? लोकेशन ये ममूरा है सेक्टर 66। 66 मेट्रो के पास ही? अच्छा मेट्रो है? 59। हाँ 59 मेट्रो स्टेशन। हाँ जी उसके सामने। हाँ जी हाँ जी। लोकेशन काफी अच्छा है? हाँ जी। यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हो। इसमें आपका रूम इसका 8,000 का है? और ऐसा भी तो रूम होगा जिसमें आपको बिल्कुल ये लो प्राइस इससे भी होगा? हाँ 7,000 का भी रूम है हमारे पास। 7,000 वाला भी रूम है? हाँ जी। तो उसमें क्या है, उसमें भी 3 लोग रह सकते हैं? हाँ मैम 3 लोग रख सकते हैं और उसमें भी डबल बेड ही मिलेगा। डबल बेड है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये बेड अभी गद्दा लगाना है ऐसे ही मिलेगा? हाँ गद्दा मिलता है। गद्दा मिलेगा? हाँ। बाकी पंखा तो नहीं ले जाओगे? नहीं 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 सब यहाँ भी लगा रहेगा। वैसा तो कहीं पंखा भी खोल के लेके चले? नहीं 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 लाइट पंखा सभी। चलिए बाकी आपसे बात करके काफी मेरे को अच्छा लगा। बुकिंग का प्रोसेस जो भी होगा, हम जो भी भैया का नंबर होगा कॉन्टेक्ट नंबर होगा हम दे देंगे, अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से नंबर ले सकते हैं और बुकिंग भी कर सकते हैं। और गाइज हम बात करते हैं, हम आपके लिए नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, रूम PG सबके लिए हम वीडियो आपको लेते आते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए इसके बाद जो लोकेशन होगा, हो सकता है आपके घर के पास हो या नियर में या जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे लोकेशन हो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखना क्योंकि हम हमेशा वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो बाकी जो भी नंबर होगा कॉन्टेक्ट नंबर होगा हम मेंशन कर देंगे, तो आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। बाकी लोकेशन आपका यानी कि सेक्टर 76 होगा, मेट्रो स्टेशन जो होगा सामने जस्ट 59 का मेट्रो स्टेशन है, तो आप वहाँ से इजिली आ सकते हो। बाकी नंबर मेंशन कर देंगे तो नंबर ले सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, छोटा सा एक कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही।